सपने बड़े हों और इरादे मजबूत तो छोटे या बड़े शहर से फर्क नहीं पड़ता। आज इंटरनेट की पहुंच और युवाओं के जोश के चलते भारत एक परिवर्तन, एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। छत्तीसगढ़ के एक गांव तुलसी में 3000 लोगों की जनसंख्या में 1000 यूट्यूबर्स हैं, जो ना सिर्फ आपस में मिल के काम कर रहे हैं, कोलैबोरेटिव कंटेंट बना रहे हैं, बल्कि उससे पैसे कमा कर एक ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट कर रहे हैं। और इसी बदलाव को आप तक पहुंचाने के लिए हम लेकर आए हैं CNBCTV18.com हिंदी के माध्यम से छोटे शहर बड़े सपने, पावर्ड बाय लेनदेन क्लब। हट के थोड़ा चूज करूं मैं, पे ना स्नूज करूं मैं, फ्रेंच फ्राइज, थैंक यू, टाइम ना मिस यूज करूं मैं, फिर को चूज करूं मैं। मेरी चॉइसेस हमेशा से डिफरेंट रही है, एंड दीज चॉइसेस हैव मेड ऑल द डिफरेंस। जैसे इन्वेस्टिंग इन लेनदेन क्लब, एक नॉन मार्केट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जिसपे मार्केट अप्स एंड डाउन्स का होता है जीरो इफेक्ट, ताकि आपको मिले मैक्सिमम रिटर्न्स। मैंने तो चूज किया लेनदेन क्लब, आप कब करोगे? नॉन मेट्रो स्टार्टअप्स या एंटरप्रेन्योरशिप की जब बात होती है तो अक्सर हम टीयर 2 और टीयर 3 को ही महत्व देते हैं। यहाँ तक कि मेन स्ट्रीम मीडिया में भी इन्हीं रीजन्स पे फोकस किया जाता है। पर छोटे शहर बड़े सपने के माध्यम से हम रुख करेंगे अब टीयर 4 और टीयर 5 शहरों का, और आपको लेके चलेंगे कुछ ऐसे शहरों में जहां आपको जानकर भी हैरानी होगी कि स्टार्टअप इकोसिस्टम पहुंच चुका है और एंटरप्रेन्योरशिप की ज्वाला जल चुकी है। आज हम आपको लेके चल रहे हैं उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड रीजन में स्थित शहर झांसी में। यूं तो झांसी अपनी वीरता, साहस और जज्बे के लिए हमेशा से प्रसिद्ध रहा है, पर इस जज्बे को बरकरार रख रहे हैं यहाँ के युवा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना के और एंटरप्रेन्योरशिप में एक बड़ा कदम उठाकर। भारत सरकार के तहत स्टार्ट किया गया इंक्यूबेटर राइज झांसी भी झांसी के स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए एक बड़ा स्तंभ है। तो आइए चलते हैं झांसी और मिलवाते हैं आपको कुछ खास मेहमानों से। 2020 में कोविड लॉकडाउन के दौरान पेशे से फूड टेक्नोलॉजिस्ट शिवानी ने अबरोजा की शुरुआत करी। छोटे शहरों में बड़े हुए बच्चों की यादों में हिंदुस्तान का एक फल बेर जरूर होगा। आम तौर पर नजरअंदाज किए जाने वाले बेर फल पर शिवानी ने जैम, स्प्रेड, जूस और चॉकलेट जैसे प्रोडक्ट्स के माध्यम से एक सफल व्यापार खड़ा किया है। और इंडिया में होने के बाद भी इट इज निग्लेक्टेड, पूरी तरीके से निग्लेक्टेड सेक्शन में है। हमारे यहाँ पे बेर का नाम सुनते ही लोगों का ऐसा जैसे बेर का फ्रूट, मतलब की बेर कोई फ्रूट ही नहीं है। तो इस तरीके से वी स्टार्टेड ऑन द रिसर्च वर्क कि किस कंट्री में क्या काम चल रहा है फूड के ऊपर। चाइनीज रेड डेट के नाम से ग्लोबली प्रसिद्ध बेर आज देश और दुनिया में एज अ सुपर फ्रूट प्रेफर किया जाता है। पर अबरोजा से पहले भारत में किसी ने इस फल का प्रयोग कर उस पे प्रोडक्ट्स बनाने का आइडिया नहीं सोचा। यहाँ तक कि भारत की पौराणिक कथाओं से लेकर पूजाओं में काम में लिए जाने वाले बेर फल स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। तो फिर मैंने सर इन प्रोडक्ट्स की प्रोसेसिंग करी और उसके बाद उनकी वैल्यू एडिशन का टेस्टिंग कराया लैब, तो रिजल्ट्स बहुत एक्सीलेंट आए। देवर लाइक की विटामिन सी कंटेंट जो आपका था वो आफ्टर हैवी हाई हीट प्रोसेसिंग के बाद भी 85% इंटैक्ट था। कैल्शियम कंटेंट हाई आया, फॉस्फोरस, जिंक, सेलेनियम, जो कि बच्चों की इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है ग्रोथ में। किसानों के परिवार से आई शिवानी ने बेर के जरिए किसानों को भी एक नियमित आय कमाने का मौका दिया। अक्सर बुंदेलखंड इलाके में बारिश की वजह से फसल खराब हो जाने से कई सीजन्स में किसान कुछ कमाई नहीं कर पाते। ऐसे में बेर की खेती ना सिर्फ आसान है बल्कि बंजर जमीन पर भी आसानी से उगाई जा सकती है। कोविड के समय कम पैसों से शुरुआत करने के लिए शिवानी ने एक छोटा रिसर्च लैब अपने घर से ही बनाया। विद द हेल्प ऑफ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश हम लगभग 250 फार्मर्स से खुद को कनेक्ट कर पाए एंड मोर देन 50 ट्राइबल लोगों से कनेक्ट कर पाए। अक्सर छोटे शहरों से स्किल्ड युवा बड़े शहरों में पलायन कर जाते हैं, और झांसी जैसे शहर में मार्केटिंग या ऑपरेशंस टीम बनाना बेहद कठिन हो जाता है। पर शिवानी ने इसका समाधान निकालकर ना सिर्फ झांसी में स्किल डेवलपमेंट किया बल्कि विधवा महिलाओं को और बेसहारा युवाओं को अपने ही शहर में नौकरी का एक अच्छा अवसर भी प्रदान किया। लेकिन काफी सारे ऐसे लोग हमें मिले जो स्किल्ड हैं, तो ऐसे लोगों को फिर सर हमने जोड़ा। या हमारी जो टीम में भी फीमेल्स हैं, दे आर लाइक विडोज हैं ज्यादातर, कि हस्बैंड नहीं है और बच्चे हैं तो टेक केयर करने के लिए एम्प्लॉयमेंट, तो वी ट्रेन्ड देम, हमने उन्हें सारी ट्रेनिंग दी, चीजें सिखाई किस तरीके से काम करना है। आज शिवानी ने B2B कॉर्पोरेट गिफ्टिंग के माध्यम से अपने प्रोडक्ट्स को हिंडालको, PNB, नाबार्ड, एडमिट कार्ड जैसी कंपनियों तक पहुंचाया है।
ना सिर्फ B2B, अब रोजा के प्रोडक्ट्स आज मार्केट प्लेसेस और ऑनलाइन कॉमर्स के जरिए पूरी दुनिया में पहुंच रहे हैं। शिवानी के जज्बे और विनम्रता का सबसे बड़ा उदाहरण है उनका अब्रोजा को लेके आगे का विजन। ना सिर्फ वो अपने प्रोडक्ट्स को दुनिया भर में पहुंचाना चाहती हैं, बल्कि बंजर जमीनों पे बेर उगाने का अवसर देकर ट्राइबल कम्युनिटीज के किसानों की जिंदगी भी बेहतर बनाना चाहती हैं। और इसका काम सर हम अपने ट्राइबल लोगों को देना चाहते हैं, जिनके लिए 5 रुपए किलो से भी मैं जब परचेज करती हूँ तो बहुत बड़ी बात होती है। मतलब 2 टाइम का खाना भी बड़ी बात है उन लोगों के लिए। मैं इसका एग्जांपल आपको हमारे पन्ना जो इलाका है जहाँ के ट्राइबल लोग हैं खजुराहो के साइड, वहाँ का ये आपको एग्जांपल दे रही। वेरी मतलब नॉट इन अ वेरी गुड स्टेट टू, और बहुत ज्यादा मतलब वायलेंट अब्यूजिव ट्रीटमेंट के बाद जो लोग वहाँ कम्युनिटी बना के रह रहे हैं, उस तरीके के लोगों की हेल्प होती है। साथ ही शिवानी भारत के सुपर फ्रूट बेर को एक ग्लोबल पहचान दिलाना चाहती है। आज की नई पीढ़ी के बच्चों को बेर के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, पर शिवानी के क्लाइंट्स आज कनाडा, अमेरिका जैसे देशों से भी बेर के प्रोडक्ट्स मंगवा रहे हैं। तो हमारा जो विजन है वो इस तरीके से है कि हम म्यूचुअली अपनी सोसाइटी को, इंडियन सुपर फ्रूट्स को बहुत ही एक एक्सपोर्ट लेवल तक पहचान दिलाते हैं। हम अक्सर एडवेंचर स्पोर्ट्स और माउंटेनियरिंग जैसे स्पोर्ट्स को लेकर हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड की वादियों के बारे में ही सोचते हैं। झांसी के फरहान हाशमी ने यह निर्णय लिया कि वो इन एडवेंचर स्पोर्ट्स को छोटे से छोटे शहरों के स्कूल के बच्चों तक पहुंचाएंगे। इसी मिशन के साथ फरहान ने शुरुआत करी एडवेंचर बडी की। मौलिक रूप से एडवेंचर बडी की शुरुआत एक ट्रैवल कम्युनिटी के तौर पे हुई थी, पर 2021 में फरहान ने इसको एक एंड टू एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स ट्रेनिंग बिजनेस बना के झांसी में ही स्कूल के बच्चों को माउंटेनियरिंग करवाना शुरू कर दिया। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना यही स्पोर्ट्स जो एडवेंचर स्पोर्ट्स था उसको हम अपनी सिटी तक, बुंदेलखंड तक, क्योंकि अभी डेवलपमेंट में हमारा जो भी बैकवर्ड एरिया था कुछ डेवलपमेंट हो रहे हैं और वो लोग क्यों यहाँ पे छूट जाए उन एक्टिविटीज से, उन चीजों से जो कि उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है। एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आने वाले फरहान को निजी कारणों की वजह से 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी। उन्होंने इससे निराश होने की जगह ट्रैवलिंग और माउंटेनियरिंग को अपना जुनून बनाया। 18-19 साल की उम्र में वो महीनों तक पहाड़ी इलाकों का सफर करते रहे, जगह जगह रहकर नए अनुभव प्राप्त किए और अपने माउंटेनियरिंग के शौक को अपने शहर में लाकर हर बच्चे के लिए सुलभ यानी एक्सेसिबल बनाया। तो झांसी में मेरे कोई पर्वतारोहण क्षेत्र में नहीं था, तो मैंने कहा इस फील्ड को भी झांसी से मतलब बढ़ावा मिले, लोगों के लिए एक नई अपॉर्चुनिटीज खुले। पर अपने जुनून को व्यापार में परिवर्तित करना और उससे पैसे कमा के अपने लक्ष्य को प्राप्त करना एक आसान राह नहीं होती। ट्रैवलिंग के शौक 18 साल की उम्र में पूरा करने के लिए फरहान के पास कोई सेविंग्स नहीं थी और परिवार से फाइनेंशियल सपोर्ट भी नहीं था। ऐसे में फरहान अपने सफर में जहां जहां थोड़े दिन के लिए रुकते, वहीं छोटे छोटे काम करके अपने लक्ष्य को पूरा करते रहे। छोटे छोटे मैं काम करता था, लाइक जहाँ पे मैं रुकता था वहाँ पे हॉस्टल्स में या होटल्स में उनके लिए काम करता था और वहाँ पे फिर कुछ पीआउडी मुझे मिलता था। जैसे मैं कहीं हॉस्टल्स में रुकता था तो हॉस्टल के लिए मैं मान लो नाइट शिफ्ट में काम कर देता था होटल्स के लिए, तो वहाँ पे वो काम हो जाता था। फिर मैं फ्रीलांसिंग डिजिटल मार्केटिंग मैंने थोड़ा बहुत सीखी, ग्राफिक डिजाइनिंग सीखी, तो होटल्स वगैरह के और भी मुझे फ्रीलांसिंग काम मिल जाते थे, उनके पोस्टर वगैरह बना देता था, तो उससे मुझे मेरी अर्निंग हो जाती थी। पर सफर करने के शौकीन फरहान के लिए स्टार्टअप का सफर आसान नहीं था। एडवेंचर स्पोर्ट्स के डोमेन में एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है लोगों का ट्रस्ट, उनका भरोसा हासिल करने का। तो सबसे बड़ा इशू आता था स्कूल्स में कि आप लोगों का एडवेंचर वर्क कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन सेफ्टी इशूज आते हैं कि आप बच्चों की सेफ्टी पर कैसे ध्यान देंगे, क्योंकि लोगों को लगता है कि यार अगर कम पैसों में कोई चीज है तो सेफ्टी मेजरमेंट शायद नहीं हो इनके पास और ये मतलब नॉर्मली कुछ चीजें करा रहे होंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इक्विपमेंट्स और क्वालिफाइड और सर्टिफाइड ट्रेनर्स के साथ आज एडवेंचर बडी पिछले एक साल में 1200 से 1500 बच्चों को एडवेंचर स्पोर्ट्स सेफली करवा चुके हैं। यहां से आगे के सफर को लेके भी फरहान काफी उत्साहित हैं। उनका विजन है कि लो कॉस्ट में सेफ एडवेंचर स्पोर्ट्स हर बच्चे तक पहुंचना चाहिए कि हर उस बच्चे तक पहुंच पाए हम जो इस चीज का शौक रखता है लेकिन वो उस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकता, हम उसको इतना अफोर्डेबल बनाएंगे, हमारा मेन यही टारगेट है। और यही है हिंदुस्तान का भविष्य, और शिवानी और फरहान जैसे युवा एंटरप्रेन्योर्स ही हैं इस देश के भावी कर्णधार, जो छोटे से छोटे शहर में रहकर भी बड़े सपने देख उनको पूरा करने की हिम्मत रखते हैं।
और इन्हीं को समर्पित है हमारी ये खास पहल cnbctv18.com हिंदी के माध्यम से, छोटे शहर बड़े सपने, पावर्ड बाय लेन देन क्लब।